चलिए, तो जनता किस तरह से आपके कामकाज को देखेगी अगर मैं आपसे बतौर मंत्री पूछूं, क्योंकि औद्योगिक विकास मंत्रालय से उम्मीदें ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं क्योंकि रोज़गार भी उससे जुड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि रोज़गार एक बड़ी चुनौती रही है योगी सरकार के लिए भी। तो ऐसे में इन्वेस्टर सबमिट हुआ, बहुत नाम हुआ, बहुत ज़्यादा आईबॉल्स खींची गई, कितना वो कन्वर्ट हुआ वाकई में उद्योग लाने में? देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मेरे पे विश्वास करके दिया, हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि 2017 से पहले इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक डिसकनेक्ट सा था। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलिस्ट आना नहीं चाहता था। हमने पहला इन्वेस्टर समिट 21 और 22 फरवरी 2018 में किया, एक साल भी सरकार का पूरा नहीं हुआ था, मार्च में सरकार बनी थी लेकिन 2018 में किया था। उसमें 4,28,000 करोड़ के हमें MOU साइन किए थे। उसके पहले मैं रोड शोज के माध्यम से देश में कई शहरों में गया था जो इंडस्ट्री के नाते से फेमस थे। मैं अहमदाबाद गया, मैं सूरत गया, मुंबई गया, बेंगलुरु गया, हैदराबाद गया, अब तेलंगाना उसको कहें, तेलंगाना गया, दिल्ली में भी आए हम लोगों ने, इसी उसमें किया था रोड शो। तो वो हम लोग रोड शो करके एक लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि अब उत्तर प्रदेश एक बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पहले आदमी आने से डरता था। मैं अहमदाबाद गया तो वहाँ के इंडस्ट्रीज मित्र ने कहा कि मेरी पत्नी ने मना किया कि वहाँ मत जाओ। तो मैंने कहा आपकी पत्नी भी बिज़नेस देखती है क्या? उसने कहा नहीं, मेरी पत्नी मुझे देखती है कि मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ। तो उनकी पत्नी जो उन्हें देखती कि सेफ हैं कि नहीं है, तो उसके बाद जब एक साल के बाद जब हम सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत वहाँ गए तो उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने कहा आप उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो गया है। भले विपक्ष कितना भी कहे कि अपराध बढ़ रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया है। उनको अगर जो विपक्ष जो कह रहा है उनको स्वाभाविक रूप से तकलीफ है और वो किसी भी इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों को होनी चाहिए जिनको वो टिकट देकर विधानसभा के चुनाव लड़वाते थे और विधानसभा में जितवाने का काम करते थे। आज सौभाग्य से उनके अपराध के द्वारा कमाई गई अकूत संपत्ति को पूर्ण तरीके से नष्ट करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और वो जेल में है, तो उनको तकलीफ होना, दर्द होना स्वाभाविक है कि भाई इस प्रकार के जो अपराधी है जिनको वो संरक्षण देते थे, जिनके आधार के ऊपर राजनीति करते थे, जब उनके लिए वो स्थान नहीं है तो उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में रहने के लिए जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश आज पूरी तरीके से सुरक्षित है। वो तो कह रहे हैं कि 22 में बाइसाइकिल है, नहीं तो उन्होंने कहा, मैं तो कह रहा हूँ भाई हमने इस बात के लिए असेसमेंट किया कि पिछली बार हमारे को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलेगी, तो 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलने का मतलब है पिछली बार 325 सीटें मिली थी, उससे ज्यादा हम कुछ लेंगे। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता ने एक दिन कहा था कि उनको 400 सीटें मिलेगी, 3 सीट किसके लिए छोड़ेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम जिस आधार के ऊपर जीते हैं, जो हमारे पास प्रमाण है, उस सीट के ऊपर हमने कहा था हमारे को 2/3 से ज्यादा मिलेगी। जो कांग्रेस एक जमाने में अभी ये पिछले चुनाव में मैं उसको कहता हूँ कि ये इनोवा पार्टी होगी थी, इनोवा पार्टी के मतलब 7 लोग, उसमें 7 ही लोग उनके चुनकर आए थे, इनोवा में 7 सवारियां रजिस्टर्ड होती हैं। तो अभी भी वही रहेगी वो नैनो पार्टी में, लेकिन नैनो कार लेकिन प्रियंका जी तो इतनी मेहनत कर रही हैं। पिछली बार भी करी थी उन्होंने मेहनत, भाई बहन दोनों ने मिलकर करी थी, और उन्होंने पिछली बार भी करी थी, 2017 के चुनाव में भी करी थी तो 7 पर आ गए, 2019 के चुनाव में भी उन्होंने बहुत मेहनत करी तो 1 पर आ गए, 2019 में सिर्फ सोनिया जी जीती थी, 1 पर आ गई, सब ने परिवार ने पूरे मिलकर मेहनत करी थी। अब देखते हैं, मैंने कहा ना कि वो इनोवा पार्टी से नैनो पार्टी की तरफ चले जाएंगे। वैसे ही जैसे आपने कहा कि इन्होंने कहा कि 2022 में 22 साइकिल, तो मैं एक दिन जा रहा था क्योंकि मेरा घर भी वहीं है, तो इन्होंने होर्डिंग बड़े बड़े लगा रखे थे कि 22 में 22 साइकिल, तो इन्होंने ये तय कर लिया कि 22 में इनको केवल 22 साइकिल ही मिलनी है, ना इनको 23 मिलनी है ना 21 मिलनी है, हमने तो नहीं कहा इनको कितनी मिलनी है। तो इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि 22 में केवल 22 साइकिल इनको मिलनी है, उससे ज़्यादा नहीं मिलनी।